बॉलीवुड फिल्म सिम्बा, जिसका आज डे 11 है, फिल्म के 10 डेज के कलेक्शन के अपडेट्स आ चुके हैं जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के जरिए शेयर करूंगा। इससे पहले पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ सिम्बा के 8 दिन के प्रॉपर कलेक्शन के अपडेट शेयर किए थे, जहां पर मैंने कहा था कि सिम्बा ने अपने 8 दिनों में इंडिया में जो टोटल नेट कलेक्शन की है वो है 159 करोड़ 83 लाख रुपीज की। अब बात करते हैं डे 9 यानी सेकेंड सैटरडे। तो मैंने जो आप लोगों को मेरा जो डे 9 का प्रेडिक्शन बताया था, मैंने कहा था 12 से 14 करोड़, और मेरा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुआ था। यानी फिल्म ने अपने डे 9 पर जो कलेक्शन किया था इंडिया में वो था 13 करोड़ 32 लाख रुपए का, 13 करोड़ 32 लाख का। अब आ जाते हैं डे 10 यानी सेकंड संडे। तो मैंने आप लोगों को डे 10 का मेरा कोई भी प्रेडिक्शन नहीं बताया था, क्योंकि कल मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी। तो फिल्म ने अपने डे 10 पर इंडिया में जो कलेक्शन की है वो है 17 करोड़ 49 लाख रुपीज की। यानी फिल्म का जो है इंडिया में जो 10 डेज का टोटल जो नेट कलेक्शन हो चुका है वो है 190 करोड़ 64 लाख रुपए का, 190 करोड़ 64 लाख रुपीज का। वैसे बता दें कि फिल्म ने अपना जो इंडिया में जो 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया था वो किया था 5 डेज में, और जो 150 करोड़ का आंकड़ा पार किया था वो किया था 7 डेज में, और जो 175 करोड़ का जो आंकड़ा पार किया है वो किया है 10 डेज में। और साथ ही ये भी बता दें कि ये जो फिल्म है ये रोहित शेट्टी की डायरेक्शन में बनी है, और रोहित शेट्टी के फिल्मी करियर की ये जो फिल्म है ये टॉप 3 में आ चुकी है। सबसे पहले है चेन्नई एक्सप्रेस, सेकंड में है गोलमाल अगेन, और थर्ड में आ चुकी है सिम्बा। तो सिम्बा ने जो इंडिया में जो 10 डेज में कलेक्शन की है 190 करोड़ 64 लाख रुपए की, 190 करोड़ 64 लाख की। वैसे बता दें कि फिल्म ने इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट में 9 डेज में जो कलेक्शन की है वो है 68 करोड़ 74 लाख रुपीस की, 68 करोड़ 76 लाख रुपीस की है। रही बात अगर मेरा जो डे 11 का प्रेडिक्शन है यानी सेकंड मंडे का, तो वो रहेगा सिंगल डिजिट में। यानी मेरा जो डे 11 का प्रेडिक्शन है वो रहने वाला है 6 करोड़ से लेकर 8 करोड़ के आसपास का। रही बात बजट, तो इसका बजट जो अभी तक सामने आया है वो है 80 करोड़ का। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉली व्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।